हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। अभी हम लोग टेंस सीख रहे हैं और इससे पहले मैं टेंस का दो वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं, पार्ट वन और पार्ट टू। अगर आप पार्ट वन या पार्ट टू नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाए, वहां पे आपको इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट दिखेगा और टेंस का पार्ट वन पार्ट टू वीडियो देख ले, ताकि आपको पार्ट थर्ड देखने में आसानी हो, उसमें कोई दिक्कतें ना हो। पार्ट वन में मैं बताया था कि टाइम और टेंस में अंतर क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे बच्चे को मालूम नहीं होता है कि टाइम किसे कहते हैं और टेंस किसे कहते हैं। इसी चीज को मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था और उसी पार्ट वन में मैं बताया था कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो, उसको किस तरह से हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बड़े आसान मेथड से हम लोग उसको समझे थे कि कोई भी हिंदी सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी उसके बाद हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग जाने थे, पार्ट वन में सिंबल जाने थे, स्ट्रक्चर जाने थे, उसके बाद पैसिव फॉर्मूला हम लोग देखे थे, पैसिव सेंटेंस देखे थे, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये सब जाने थे, और उसके बाद जो हम लोग जाने थे लास्ट में वो ट्रिक्स जाने थे। और ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग ये देख पा रहे थे कि अगर किसी भी बोर्ड एग्जाम में हो या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम में हो, अगर फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ दिया जाए, खाली स्थान पूछ दिया जाए, तो उसको हम लोग कितनी आसानी से बना सकते हैं, जिसको हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से समझे थे। पार्ट टू में आप लोग जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझे थे और जाने थे, और आज के वीडियो में मीन्स पार्ट थर्ड में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, कि किस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे और किस तरह से उस इस हिंदी सेंटेंस को हम लोग पहचान पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसका ट्रिक्स क्या है, तो इन सब चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ फायदा पहुंच सके। तो चलिए नोटबुक की तरफ चलते हैं और हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं और इसके सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है द वर्ब व्हिच डिनोट्स प्रेजेंट टाइम इन कंप्लीट एक्शन इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब कि वैसा सेंटेंस या वैसा वर्ब जो प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता हो, प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता हो, लेकिन काम पूरा हो गया हुआ रहेगा, काम जो है सो वो कंप्लीट हो गया हुआ रहेगा, काम मुकम्मल हो गया हुआ रहेगा, उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, शी हैज बाउट ए पेन, वह कलम खरीदी है। खरीदी है मतलब कि इंडिकेट जो कर रहा है, जो डिनोट्स जो कर रहा है, वो प्रेजेंट टाइम को ही बता रहा है, लेकिन काम मुकम्मल हो चुका है, वो पेन खरीद चुकी है, काम मुकम्मल हो चुका है। जैसे कि आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत चुके हैं। इंडिकेट तो कर रहा है प्रेजेंट टाइम को, लेकिन प्रेजेंट में काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब चलिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को हम लोग किस तरह से पहचानेंगे और उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकेंगे। इससे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखे थे कि किस तरह से सिंबल हम लोग पहचान रहे थे और इंग्लिश में जो है उस हिंदी सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे थे। तो चलिए पहचान याद रखिएगा कि जिस भी हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, या है, ये है, ये है, अगर ये सब वर्ड लगा हुआ रहेगा, ये दो दो तीन तीन पहचान है इनके जो है, अगर ये सब लगा हुआ रहेगा तो ये बात समझ लीजिए कि वो सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब बात याद रखिएगा, अगर ये पहचान ना मिले, चुका है, चुकी है, तो किसी किसी सेंटेंस में अकार हैवी लगा हुआ रहता है, जैसे यहां पे ईकार भी लगा हुआ रहेगा। जैसे आप यहां पे देख सकते खरीदी है, या चुका तो नहीं आ रहा, लेकिन खरीदी है कि नहीं, तो ये बात भी याद रखिएगा। तो ये पहचान है कि जिस भी हिंदी सेंटेंस के अंत में लास्ट में ना चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, अगर लगा हुआ रहेगा तो वो सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में।
अब चलिए जब आप सेंटेंस पहचान लेते हैं, जैसे यहां पे एक आप एग्जांपल देख सकते हैं, मैं आम खा चुका हूं, हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, वह पटना जा चुका है। जब आप सेंटेंस को पहचान लेते, यहां पे चुका है, अब इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए जरूरत पड़ती है किसकी, फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट, दूसरा हैज या हैव, तीसरा है भीतरी, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। आपको हिंदी सेंटेंस को फॉलो नहीं करना है, हिंदी को देख करके इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला देखिए और आराम से क्या कर दीजिए, उसको ट्रांसलेट कर दीजिए, बना दीजिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला में कह रहा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब काम करने वाला। कि सेंटेंस में काम कौन कर रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं सेंटेंस में जो काम कर रहा, मैं आम खा चुका हूं, काम करने का जो काम क्या, वो मैं, और मैं का इंग्लिश होता है आई, तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या लिख लेंगे, आई। अब आगे हैज या हैव, किसका यूज करें, हैज का या हैव का, तो आपको मालूम होनी चाहिए, या यहां पर आप देख सकते हैं नोट में कि आई वी यू दे, आई वी यू दे, और एक से ज्यादा पर्सन और थिंग के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव का, एक से ज्यादा, जैसे राम एंड श्याम, सोहन एंड मोहन, तो इसके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। ही शी इट और वन पर्सन और थिंग, वन पर्सन और थिंग का मतलब एक ही रहेगा, जैसे राम सोहन है कि नहीं, तो इसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। तो मतलब यहां पर है आई आया है, तो इसलिए हम लोग किसका यूज कर लेंगे, हैव का, और यहां पर हम लोग हैव दे देंगे। आगे फिर कह रहा वर्ब, तो वर्ब पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले लास्ट वीडियो में कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया, मतलब काम कौन कर रहा है, कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम। तो अब यहां पे देख रहे थे, मैं आम खा चुका हूं, खाने का काम हो रहा है, और खाने का इंग्लिश क्या होता है, इट, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, भी थ्री, तो आपको मालूम नहीं चाहिए इट का भीतर क्या होता है, ईटेन है ना, तो यहां पे हम लोग ईटेन लिख लेंगे, आई हैव ईटेन। अब ये इट से ईटेन कैसे बन गया, इसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं भर फॉर्म के नाम से, जो भर फॉर्म है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर के इंग्लिश ग्रामर प्ले लिस्ट में आप वो वीडियो देख सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई हैव ईटेन, और आगे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, काम किस पे किया गया है, मतलब काम किस पे हो रहा है, तो मैं खा चुका हूं, मैं आम खा चुका हूं, काम कर रहा था मैं, कौन सा काम, खाने का, और काम किस पे किया जा रहा, आम पे, तो क्या हो जाएगा, आई हैव ईटन ए मैंगो। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, या हम लोग क्रिकेट खेल लिए हैं, बात एक ही हुआ, मैं आम खा चुका हूं या मैं आम खा लिया हूं, है ना, बात एक ही है। तो हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, अब इसको जो हम लोग बनाएंगे किस तरह से, तो सबसे पहले आप सेंटेंस में देख सकते हैं क्या है, वो हम लोग, है ना, काम जो कर रहा है वो हम लोग, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वी, और आपको मालूम है वी के साथ किसका यूज होता है, हैव का, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, हैव, वी हैव। आगे फिर क्या कह रहे हैं, भी थ्री, कौन सा काम हो रहा है, खेलने का, और खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, और भी थ्री क्या हो जाएगा, ईडी जोड़ देंगे, प्लेड, और आगे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, काम किस पे हुआ, तो क्रिकेट पे, तो लास्ट में हम लोग क्रिकेट लिख देंगे। अब एक और क्वेश्चन है, वह पटना जा चुका है, आप इसको खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, आराम से बन जाएगा, और इस नोट को तो आप लोग समझ ही चुके हैं। अब चलिए आगे हम लोग इसका पैसिव को जानेंगे, इसके पैसिव को हम लोग समझेंगे, इसके हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को नहीं जानेंगे, जो बहुत ही सिंपल है, आपको मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, और जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो बहुत ही सिंपल हो जाता है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब कि हैज या हैव के बाद नॉट लगा दीजिए, वो आपका नेगेटिव बन जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैज या हैव को बाहर ले लीजिए, वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो पैसिव, पैसिव को हम लोग कैसे बनाएंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता हो, क्योंकि ट्रांसलेशन भी पूछा जाता है, या फिर आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत हो किसी सेंटेंस को जो पैसिव हो, पैसिव का मतलब बार बार हम कह रहे हैं कि पैसिव का मतलब होता है जो काम किसी और के द्वारा किया गया हो, उसको हम लोग पैसिव कहते हैं। अगर काम खुद से किया गया हो तो एक्टिव कहते हैं, और दोनों को ट्रांसलेट करने का तरीका अलग अलग है। अब यहां पर है कि मैच गांधी मैदान में खेला जा चुका है, उससे अंग्रेजी पढ़ाया जा चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को आप लोग देखते होंगे तो पता ये चल रहा है, काम खुद से नहीं, सब्जेक्ट नहीं काम कर रहा, बल्कि काम किसी और के द्वारा हो रहा है। तो जब काम किसी और के द्वारा होगा, काम सब्जेक्ट नहीं करेगा, तो उसको हम लोग पैसिव मानते हैं, और पैसिव को हम लोग जो बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव को, तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसे अंग्रेजी पढ़ाया जा चुका है। फॉर्मूला में सबसे पहले कह रहा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का मतलब आप लोग को मालूम ही है, इसको हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड ऑब्जेक्ट मान लेंगे, और आपको मालूम है ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता,
ये कर्म जिस पे काम किया गया हो उसे अंग्रेजी पढ़ाया गया, काम किस पे हो रहा है उसे पे, तो उसे क्या इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही। और मैं बता दिया हूं कि अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर सब्जेक्ट भी लिख देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही और ही के साथ किसका यूज करेंगे, हैज या हैव का, तो आपको हम पीछे बता चुके हैं कि हैज का यूज होता है, तो यहाँ पे हैज लिख लेंगे। और आगे फॉर्मूला में क्या कहता है, बिन, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बिन। आगे फिर क्या कहता है, भी थ्री, मतलब कौन सा काम हुआ, पढ़ाने का, और पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है, टीच। टीच का भी थ्री क्या हो जाएगा, टाउट। अभी टीच से टाउट कैसे बन गया, तो जाकर के भर फॉर्म को आप लोग देख लें, जो मैं वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। आगे कह रहा ऑब्जेक्ट, मतलब सेकेंड ऑब्जेक्ट, अब जो वर्ड बचा हुआ है उसको सेकेंड ऑब्जेक्ट में मान लीजिए, मतलब काम किस पे किया गया, अंग्रेजी पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही हैज बीन टॉट इंग्लिश। देखिए बहुत आसानी से आप लोग इसको बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मैच गांधी मैदान में खेला जा चुका है, या अच्छा रहेगा क्रिकेट गांधी मैदान में, या मैच ही गांधी मैदान में, क्रिकेट ही रखिए तो अच्छा है, क्रिकेट गांधी मैदान में खेला जा चुका है। तो अगर इसको हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्रिकेट। आगे कह रहा है हैज या हैव, तो क्रिकेट के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, हैज का, तो क्रिकेट हैज। आगे फॉर्मूला में है बिन, तो हम लोग बिन दे देंगे। आगे वर्ब कौन सा काम हुआ है, खेलने का, तो खेलने का इंग्लिश प्ले होता है, और प्ले का भीतरी क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। और आगे कहता है ऑब्जेक्ट, तो अब जो वर्ड बचा हुआ है, तो क्रिकेट कहाँ खेला गया, तो गांधी मैदान में, तो ये ऑब्जेक्ट बचा हुआ, तो आप यहाँ पे लिख दे गांधी मैदान, गांधी फील्ड नहीं करेंगे, जो नाम है उसको नाम ही रखिए, गांधी फील्ड ना कहिए तो अच्छा है, गांधी मैदान ही कहिए। तो इस तरह से आप देखिए कि पैसिव सेंटेंस को किस तरह से आप लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दिया हो, फिल इन ब्लैंक्स पूछ दिया जाता हो, और चार ऑप्शन दे दिया जाता हो टिक लगाने के लिए, तो उसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो बात याद रखिएगा, जो ट्रिक्स नंबर थ्री है, इससे पहले हम लोग ट्रिक्स नंबर टू और वन को समझ चुके हैं, पार्ट वन और पार्ट टू के वीडियो में। अब बात याद रखिएगा, जस्ट, ऑलरेडी, अप टू नाउ, रिसेंटली, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, अगर ये सब किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड का यूज किया गया हो, ये जितने भी वर्ड है अगर किसी भी सेंटेंस में यूज किया गया हो, तो बात याद रखिएगा, खाली स्थान में आपको हैज या हैव प्लस भीतरी भर देना है, और अगर हैज या हैव दिया हो ऑलरेडी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको किसका सिलेक्शन करना है, भीतरी का सिलेक्शन करना है। अब चलिए यहां पे एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, ही जस्ट, ये जस्ट आ चुका है, और आपको हम बता चुके किसी भी सेंटेंस में अगर जस्ट देखने को मिल जाए तो खाली स्थान में अब सिर्फ और सिर्फ हैज या हैव प्लस भीतरी का यूज होगा, और अगर हैज या हैव पहले से दिया हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको किसका यूज करना है, भीतरी का यूज करना है। तो ही जस्ट डैश टू पटना, अब यहां पे जो चूज करना है, जस्ट आ चुका है तो हम लोग को जो चूज करना हैज या हैव प्लस भीतरी का, और ही के साथ किसका यूज होता हैज का या हैव का, अब यहां पे देखिए हैव गॉन भी है और हैज गॉन भी है, तो आपको मालूम है कि ही के साथ किसका यूज होता हैज गॉन का, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे हम लोग पार्ट फोर को जानेंगे, जो आपको किसका वीडियो होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।